जो सवाल इनसे होगा ना वो आपने देखना है कौन सा सवाल है, उसका काउंटर आपने तैयार कर लेना। ओके, जो सवाल मैं इनसे करूँगा उसका काउंटर आपने रेडी रखना। ओके रेडी, चलो भाई। पांजा मिला आज हमें, तीन इधर दो इधर। अच्छा जी, क्या नाम था आपका? खदीजा। अब नहीं है? माँ बाप ने चेंज कर दिया। माँ बाप ने अपना नाम चेंज कर लिया मेरा। अच्छा, खदीजा एंड हबीबा। हबीबा, हबीब से? नहीं, हबीब से नहीं, हबीबा से ही है। हबीबा सही है। अच्छा, हबीबा और खदीजा ना हमारे साथ हैं। ठीक है, ये जो लड़के कहते हैं कि हम आपके लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, इसमें सदाकत है? सब झूठ है, हमें कभी किसी ने नहीं कहा, हमें नहीं पता। इसमें सदाकत नहीं है? फिल्मी बातें सर, फिल्मी बातें सर। अगर सदाकत नहीं है तो सदाकत गया किधर फिर? सदाकत दूर गया हुआ जरा काम से। अच्छा, चांद तारे लेने गए? नहीं नहीं, किसी और, मामा ने दही लेने भेजा हुआ। अच्छा, वो जो पंजाबी में कहते हैं दही लेने गए? नहीं नहीं, उर्दू में ही कहा है। अच्छा, उर्दू में कहा। लड़कियां जो कहती मैं आपके लिए किसी हद तक जा सकती हूँ, ये सच है? बिल्कुल झूठ। ऐसी सदाकत नहीं, नहीं कोई सदाकत नहीं है। मैं तो नहीं, किसने कहा भी? कभी किसी ने नहीं कहा मैं किसी हद तक भी जा सकती हूँ? मेरी जान छोड़ देनी तो मैं किसी हद तक भी चल जाऊंगी। पापा नहीं मानते और मामा नहीं मानते। गलत है वैसे, है ना? सच है ये? ऐसा ही है, खुद तो माँ बाप तो मान जाते, खुद नहीं मानते। ऐसी कही जाती है? वो तो जो मर्जी गल है, कोई गल नहीं आती। ऐसे कहने की कड़ी गल है? की कहता क्या कहते भाई? भाई कहने दे इसको, इसको कभी इसके घर वालों ने सीरियस नहीं लिया, हम भी नहीं लेते इसको। इसको अच्छा बाहर बता रही है, ये सच्चाई होती है इसमें वैसे कि यार वो लड़की अगर आपसे सच्चा करती है तो वो किसी हद तक भी गुजर जाती है? पहले होती है, बाद में जब काम आता है, टाइम आता है, बाद में कहते हैं मम्मा नहीं मान रहे थे, पापा नहीं मान रहे। अच्छा, तो ये तो लड़के भी कहते हैं? नहीं, लड़के नहीं कहते। लड़के कभी नहीं कहते? नहीं, मेरे पर जो मेरे इन कुड़ियों की शिकायत है कि तू कभी मनिया ही नहीं इस गल से। मैं मानना क्यों नहीं मानना? बिल्कुल क्या ऑनलाइन उन्होंने कि मैं मान जा गया किनू दस तेन पता मैं कहीं पे आया, टेंशन नहीं लेनी। निकाह हो गया तई मनिया पे, सू बुलाया भी नहीं, बुलाया कहता मेरी मंगनी है, तो फिर मुझे शाम को फोन करके कहता है यार सुबह निकाह तो हो सकता है आज ईद के तीसरे दिन हो सकता है निकाह। हाँ नहीं नहीं, वो था निकाह ही, मंगनी का कहा इसने, मैं कहता मंगनी सिर्फ फैमिली को बुलाया ना करे। जानने वाले तो फिर बाद में बेइज्जती करानी है इन्होंने बुला के। गल तो वैसे ठीक है यार, दोस्त जो बुलाते हैं ना वो वास्ते मतलब अलग से दो देगा बुखानी। हाँ जी बिल्कुल, और की दो देगा कितों ले आइए फिर ना। असल में इसको मिली, अच्छा किस तरह का फील है उम्र में ना, तो उसको डर था कि चली ना जाए छोड़ के। किस तरह का फील होता है सिर्फ निकाह करके देखना? सिंगल कैसा फील होता है? लोनली।